विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अंबेडकर की ओर से जय भीम नमो बुद्धाय। द अनटोल्ड अंबेडकर के 9वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस भाग को शुरुआत करने से पहले मैं कुछ स्टेटमेंट्स मोहन भागवत की और आरएसएस की पाश्चजन्य की स्टेटमेंट्स आपको बताना चाहता हूं। मोहन भागवत एक कार्यक्रम में कह रहे थे कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और आरएसएस के संस्थापक के बी हेगड़ेवार, केशव बलिराम हेगड़ेवार, ये शरीर से अलग अलग थे लेकिन आत्मा एक ही था। पाश्चजन्य की मैगजीन कहती है कि बाबा साहब अंबेडकर आरएसएस के कैंप में आकर बैठा करते थे और आरएसएस का गुणगान गाते थे। तो चलिए आज आरएसएस के बारे में जानते हैं। आरएसएस के बारे में जानना है तो आपको पहले कांग्रेस के बारे में जानना होगा। कांग्रेस की स्थापना हुई 1884 में। कांग्रेस की स्थापना की चैटर्जी, बैनर्जी, मुखर्जी, एनी बेसेंट, तिलक, आगरकर, सावरकर, इन सभी ब्राह्मणों ने मिलकर और एक अंग्रेज ने मिलकर इस कांग्रेस की स्थापना की। यह कांग्रेस उस समय सिर्फ ब्राह्मणों का संगठन हुआ करता था, इसलिए इसको बहुजनों का फेस देने के लिए सबसे पहले ज्योतिराव फुले, इनको अप्रोच किया गया, इनके पास जाया गया और उनको विनती की गई कि आप हमारे इस कांग्रेस में आइए। ज्योतिराव फुले, इन्होंने कहा कि आपका आपका ये जो पक्ष है, आपका ये जो संगठन है, ये ब्राह्मणों का संगठन है और मैं इसमें नहीं आऊंगा। इसके बाद छत्रपति शाहू महाराज जी को कांग्रेस में लाने की बहुत तैयारी इन लोगों ने की। कांग्रेस के लोग छत्रपति शाहू महाराज जी को जाकर मिले। शाहू महाराज ने तो ये स्टेटमेंट दे दिया कि ये कैसी कांग्रेस है, ये कोई कांग्रेस नहीं है, ये तो ब्राह्मणों का दल है, मैं इसमें नहीं आऊंगा। तो यहां से ये जो संगठन था कांग्रेस का, ये सिर्फ ब्राह्मणों के हाथों में था। बाबा साहब अंबेडकर जी का राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक पटल पर, प्लेटफॉर्म पर उदय हो गया और बाबा साहब ने, जैसे मैंने कल के एपिसोड में कहा कि बाबा साहब अंबेडकर जी के वजह से भारत के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया। अब जब वोट देने का अधिकार मिला, तब कांग्रेस नहीं चाहती थी कि भारत के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार हो। इसका ज्वलंत उदाहरण मैं तिलक का देना चाहता हूं। जब छत्रपति शाहू महाराज जी ने 50% 50% आरक्षण जब लागू किया, तब तिलक ने सवाल लेकर कहा कि तेली तंबोली और कुनभटों को संसद में जाके क्या हल चलाना है, इनको क्यों चाहिए रिजर्वेशन, इनको क्यों संसद में भेजना है, इन लोगों का काम है खेतों में हल चलाना, लोगों के जूते पॉलिश करना, लोगों के बागों में काम करना, इन लोगों को संसद में नहीं भेजना है। और सबसे पहला विरोध किया था कांग्रेस के तिलक ने। बाबा साहब ने इस देश के सभी लोगों को वोट का अधिकार दे दिया। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, मुस्लिम्स और सभी लोगों को वोट का अधिकार मिल गया। 3.5% ब्राह्मण अब ये भारत के लोगों के ऊपर राज नहीं कर सकता था। भारत का ब्राह्मण इनके ऊपर राज नहीं कर पाएगा, इसलिए 1884 में बनी हुई ये जो कांग्रेस थी, इसमें से कुछ लोगों को 1920 के बाद बाहर निकाल दिया गया। 1920 में ही बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस देश को वोट का अधिकार दे दिया था। 1920 में वोट का अधिकार मिल गया और 1920 के ही बाद कांग्रेस में से कुछ लोगों को बाहर निकाल दिया गया और 1923 में यही लोग बाहर आ गए और इन्होंने आरएसएस से पहले एक जनसंघ बनाया और उसी का नाम आगे चलकर आरएसएस हो गया। हिंदू महासभा और आरएसएस, ये सभी विचारधारा के लोग एक हो गए और इन्होंने इस देश में हिंदुत्व की लहर, हिंदुत्व को बढ़ावा इन्होंने शुरू कर दिया। अब आरएसएस का कहना है कि बाबा साहब और आरएसएस एक ही विचारधारा के हैं। आरएसएस की विचारधारा है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। वहीं पर बाबा साहब 1935 में लाखों की सभा में कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया, यह मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। अब आरएसएस के मोहन भागवत को जवाब देना होगा, जब बाबा साहब इस हिंदू धर्म को ही नष्ट करना चाहते थे, वो आरएसएस के हिंदुत्व का पुरस्कार कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात, इस देश में जब आरएसएस की स्थापना हुई, तब स्वातंत्र से यानी आजादी के काल से 5 बार आरएसएस इस देश में बैन थी। 5 बार इसको आतंकी संगठन के नाम से जाना गया था और आरएसएस का कहना था कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। वहीं पर बाबा साहब, आपने 8वें
राइटिंग एंड स्पीचेस के वॉल्यूम में लिखते हैं कि इस देश को अगर कोई हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है तो हर एक भारतीय ने इसका विरोध करना होगा, और जैसे ही ये देश अगर हिंदू राष्ट्र बनता है ये सबसे खाई में ये देश चला जाएगा, इसलिए हमको हिंदू राष्ट्र इस देश को बनाने से रोकना है। दूसरी तरफ मोहन भागवत जी इस देश में राम राज्य लाने की कोशिश करते हैं, राम राज्य लाने के लिए इस देश में काम कर रहे हैं, और वहीं पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अपने दूसरी प्रतिज्ञा में कहते हैं कि मैं इस देश में राम को कभी भगवान नहीं मानूंगा और कभी उनकी पूजा नहीं करूंगा। अब मुझे बताओ मोहन जी, बाबा साहब आपके राम को ही इस देश से तड़ीपार कर देते हैं, वो बाबा साहब आपका राम राज्य कैसे ला सकते हैं? और कई सारी बातें हैं जहां पर बाबा साहब और आरएसएस की विचारधारा एक नहीं हो सकती, बल्कि मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आरएसएस की स्थापना ही बाबा साहब को रोकने के लिए कर दी गई थी। 1920 से ही बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपनी खुद की एक सिक्योरिटी फोर्स बनाई थी, अपना सुरक्षा दल बनाया था, और उस सुरक्षा दल का नाम था समता सैनिक दल। इसके एस्टैब्लिशमेंट 1927 में हो गई थी, लेकिन उससे पहले ही बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस सुरक्षा दल का निर्माण करना शुरू कर दिया था, और इसी सुरक्षा दल को देखते हुए आरएसएस का हेगड़ेवार कहा करता था कि देखो बाबा साहब अंबेडकर जी जैसा सुरक्षा दल हमको बनाना है, और बाबा साहब के समता सैनिक दल की ओर ये उंगली दिखाकर कहा करता था कि इस तरह का संगठन हमको तैयार करना है। बाबा साहब अंबेडकर जी इस देश में जो क्रांति, सामाजिक क्रांति ला रहे थे, उस क्रांति को रोकने के लिए आरएसएस की स्थापना हुई। यहां तक कि बाबा साहब ने जो संविधान इस देश को निर्माण करके दिया, दूसरे दिन 26 जनवरी 1950 के दूसरे ही दिन यानी 27 जनवरी को दिल्ली में आरएसएस ने संविधान की प्रतों को जलाया। यह आज 2 साल पहले नहीं हुआ, 2018 में यह घटना नहीं घटित हुई पहली बार, यह सबसे पहली बार घटित हुई 1950 में, दूसरे ही दिन आरएसएस ने भारत के संविधान को जलाया था। आज भी ये आरएसएस यूनाइटेड नेशंस के आतंकी संगठनों में एक प्रमुख संगठन है। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, ये जो मीडिया इनका काम कर रहा है बाबा साहब को आरएसएस के प्रो दिखाने का, आरएसएस के विचारधारा का दिखाने का काम कर रहे हैं, आज ही क्यों कर रहे हैं? मैं आपको इसकी वजह बताना चाहूंगा। इसकी वजह है इस देश का मुस्लिम, इस देश के मुस्लिमों के लिए आरएसएस काम कर रही है कि बाबा साहब को हिंदुत्व का एक मसीहा बताया जाए। जब इस देश में CANRC NPR लागू करने की कोशिश की जा रही थी, तब इस देश का मुस्लिम रास्तों के ऊपर उतरा, हाथ में अपने धार्मिक झंडा फ्लैग्स को लेकर, झंडे को लेकर नहीं तो इस देश के ध्वज को, राष्ट्रीय ध्वज को लेकर वो रास्तों के ऊपर उतरा, और हाथ में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की तस्वीर थी। जैसे ही ये तस्वीर हो सारे मीडिया के ऊपर, सारे पेपर्स के ऊपर गई, इस देश में आरएसएस को जलन होने लग गई कि जो मुस्लिम, ये मुस्लिम आज बाबा साहब के विचारों को फॉलो करने लग गया है, बाबा साहब के फोटो को लेकर चलने लग गया है, और उस दिन से आरएसएस ये कोशिश में लगी है कि मुसलमानों के हाथों से बाबा साहब अंबेडकर जी को हटाया जाए, छीन लिया जाए। दूसरे ही दिन CANRC के इस आंदोलन को जब चलाया जा रहा था, दूसरे ही दिन हिंदुस्तान टाइम में नंद कुमार नाम का आरएसएस का एजेंट, एजेंट को हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग डिक्शनरी में ट्रांसलेशन में देख लो, यही नंद कुमार ये कह रहा था कि ये मुसलमान तो बाबा साहब की फोटो यूं ही लेकर घूम रहा है, दरअसल CA का समर्थन तो बाबा साहब ही कर रहे थे, बाबा साहब के ही विचारों पे हम लोगों ने CA लागू किया है। तो मैं आपको ये भी बता देता हूं, क्या CAA सही में बाबा साहब अंबेडकर जी के विचार की कोई कानून है? अगर बाबा साहब अंबेडकर जी के विचारों का कानून CAA होता तो बाबा साहब संविधान में आर्टिकल 14 में यह नहीं लिखते कि इस देश में न्याय देते समय किसी की जाति, किसी का धर्म नहीं देखा जाएगा, इस देश में धर्म निरपेक्षता होगी, किसी की जाति, किसी का धर्म देखकर इस देश में कानून नहीं बनाया जाएगा। और ये एक ही आर्टिकल इस देश में नहीं पूरे विश्व में ये प्रचलित किया जा रहा है कि इस कानून के होते हुए, इस आर्टिकल के होते हुए CAA ये भारत में लागू नहीं हो सकता।
अब मुझे बताओ मोहन भागवत जी, आपके हिंदू राष्ट्र को इस देश में लागू करने की सबसे बड़ी समस्या है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। आज बाबा साहब अंबेडकर हमारे सामने जिंदा नहीं है, हमारे सामने जीवित नहीं है, लेकिन उनकी किताबों के माध्यम से बाबा साहब आज भी हमारे सामने है। दिक्कत यह है कि हम वो किताबों को नहीं पढ़ रहे हैं, वो आप पढ़ रहे हो, और इसलिए बाबा साहब की एक लाइन आगे लेकर आते हो और चार लाइनें छुपा देते हो। और इसलिए मैं आप लोगों को, देश के लोगों को कहना चाहूंगा, इस देश में मोदी और अमित शाह को रोकने से कुछ नहीं होने वाला। इस देश में से अगर किसी को हटाना है तो वो आरएसएस को हटाना होगा। इसको हटाने के लिए आप सभी लोग पहल करें, यही मैं आज के इस एपिसोड में कहना चाहता हूं। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आभार। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।